पंजाब के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, जो कमेटी बनाई गई थी पंजाब सरकार द्वारा, जिसमें ब्रह्म महिंद्रा जी को अध्यक्ष बनाया गया था, उसमें वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी थे और शिक्षा मंत्री भी उस कमेटी के सदस्य थे। तो उस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी है। लगातार 4 दौर की बैठक कर्मचारियों के साथ पंजाब में की गई। हालांकि पंजाब के कर्मचारी किसी भी नतीजे पर पहुंचने से इनकार कर रहे थे। वो बार बार 2.72 का फैक्टर है उसे लागू करने की बात कह रहे थे। इसी को लेकर पंजाब में आंदोलन चला हुआ है। लेकिन जो कमेटी द्वारा आज पंजाब सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है और उसे पंजाब सरकार ने हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, इस रिपोर्ट के अंदर जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला निर्णय जो इस कमेटी द्वारा लिया गया था वो ये था कि 15% जो वृद्धि है पंजाब के कर्मचारियों को वेतन में दी जाएगी, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। जो पंजाब के कर्मचारियों की 31/12/2015 को जो बेसिक प्लस डीए बनता है 113 के हिसाब से, उस पर मिनिमम 15% की वृद्धि को सरकार ने सुनिश्चित किया है। 15% की मिनिमम वृद्धि जो है कर्मचारियों को दी जाएगी। हालांकि कर्मचारियों ने इसे नकार दिया था और वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को सब के लिए एक समान करने की बात कह रहे थे, जिसमें उन्होंने 2.72 का जो आंकड़ा सरकार को दिया था, लेकिन सरकार ने उसे नकारते हुए 15% वृद्धि को यहां पर मंजूरी दी है। अगला जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि जो अलाउंसेज है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है और मोबाइल अलाउंस है, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस है, इन सभी को रिवाइज्ड रेट पर जो है कर्मचारियों को दिया जाएगा और जो भी भत्ते सरकार ने पहले ख़त्म कर दिए थे वो दोबारा से उसे बहाल कर दिया गया है। जो भी उन्हें मिलने वाले भत्ते सरकार ने जब नए वेतनमान की घोषणा की थी तो वहाँ पर कुछ भत्तों को ख़त्म कर दिया गया था, सरकार ने उसे भी रिस्टोर करने का फैसला लिया है। अगला फैसला डॉक्टर्स के लिए है। जो भी प्रदेश के डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को ख़त्म किया गया था उसे भी 20% वृद्धि के साथ सरकार ने उसे बहाल कर दिया है। जी हाँ, जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है उसमें 20% के हिसाब से कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को वृद्धि दी जाएगी। और अगले निर्णय में जो पंजाब सचिवालय के कर्मचारी है उनकी सैलरी को डबल किया गया है, यानी कि 1/7/2021 के बाद जो उनकी सैलरी है उसे डबल किया गया है और सरकार ने कहा है कि उसे वेतन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अगला है एडॉप्शन ऑफ फैमिली पेंशन गाइडलाइंस। जी हाँ, एनपीएस कर्मचारियों की जो मांग थी जिस पर सरकार ने कहा कि जल्द हम इस मांग को पूरी करेंगे, जल्द लेटर इशू कर दिया जाएगा, वो था 2009 की अधिसूचना पंजाब के कर्मचारियों के लिए लागू करना। इस मांग के लिए भी सरकार द्वारा हामी भर दी गई है और बहुत जल्द इस विषय पर कोई ना कोई जो है अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। और अंतिम निर्णय में पंजाब सरकार ने प्रोबेशन पीरियड में जो सर्विसेज है उसे भी एसीपी के लिए काउंट करने की जो घोषणा यहां पर सरकार द्वारा की गई है, यानी कि अब जो 4/9/14 के लाभ जो कर्मचारियों को मिलते हैं उसमें प्रोबेशन पीरियड को भी काउंट किया जाएगा और उसके बाद कर्मचारियों को 4/9/14 के लाभ दिए जाएंगे। और सरकार का कहना है कि इन सभी डिमांड्स को पूरा करने पर सरकार पर लगभग 6,186 करोड़ का जो एडिशनल एक्सपेंडिचर सरकार का होने वाला है। तो ये निर्णय पंजाब के कर्मचारियों के लिए सुखद ज़रूर है, लेकिन कर्मचारी इस निर्णय को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस विषय पर प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी जो है कर्मचारियों की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे ही कर्मचारियों की कोई प्रतिक्रिया आती है हम ज़रूर आपको अपडेट करते रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी तरह की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।